एक बच्चा बशारत अहमद, रेजिडेंट ऑफ शिमशा कारबू, उसका उम्र 15 था, 15 साल का था वो, उसका मौत हुआ था। सो उसके बाद हमने स्पॉट पे पहुंचे थे और वहाँ पे अश्योरेंस भी दिया था दैट जल्दी से हम इसको अक्यूज़ को पकड़ेंगे। सो कल 6:30 बजे हमने टीम हेडेड अंडर नितिन IPS हम इसको अक्यूज़ को पकड़ के लाए थे। उसमें मेन अक्यूज्ड है गोविंदर सरके, सन ऑफ मोतीलाल, रेजिडेंट ऑफ नेपाल, उसका एज है 17 साल। सो वो नाबालिग बच्चा है। सो इसमें ये JCB का मालिक इन्वॉल्व है क्योंकि इसी ने ये गाड़ी दिया है इस बच्चे को, और एक्सीडेंट होने के बाद इसको गाड़ी को भी छुपा के रखा है और दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम डालने के लिए कोशिश भी किया है और एविडेंस मिटाने के लिए गाड़ी को धोया भी है इसने। सो ये सब देख के हमने अभी इसमें FIR में और सेक्शंस ऐड किया है, 201 फॉर ट्राइंग टू इरेज एविडेंस, और इसको हमने ओनर को भी पकड़ के अभी लाया है, एंड 287 भी हम इन्वोक कर रहे हैं। सो इस केस में हम विद इन अ स्पैन ऑफ 10 आवर्स अक्यूज को पकड़ लिया है, एंड फिलहाल दी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इसमें FSL एविडेंस भी मिला है, JCB से थोड़ा टिश्यू और खून भी मिला है, विच विल बी सेंट फॉर फॉरेंसिक्स। इसमें और भी एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कल थोड़ा पुलिस नेग्लिजेंस के बारे में भी बात हो रहा था और इंक्वायरी के बारे में भी मैंने बोला है। सो कल साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हमने दूसरा इंक्वायरी भी कर रहे थे, उसमें हमको एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में भी इंक्वायरी चल रहा था। सो एक्सीडेंट हुआ है 8:40 से 8:56 के बीच में, क्योंकि हमारे पास 2 CCTV फुटेज मिला है और उसमें वो बच्चे जा रहे हैं और पीछे JCB भी जा रहे हैं। सो उसके हिसाब से हमको एक टाइम फ्रेम मिला है। सो लोग ज़्यादातर बोल रहे थे 8 बजे एक्सीडेंट हुआ है या 8:10 हुआ है, बट एक्चुअली 8:40 से 8:56 के बीच में ही एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला है 8:55 को PCR लॉग में, मतलब किसी ने 112 को कॉल किया है, लॉग में लिखा है 8:55 को हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। फिर PCR ने आगे थाने को कॉल किया है एट 8:57 AM। फिर फर्स्ट टीम हेडेड बाई ASI गुलाम हसन वहाँ पे पहुँचा है एट 9:05 AM। फिर बॉडी को वहाँ पे ऑलमोस्ट 9:20 से 9:30 बजे के बीच में वहाँ से निकाला है।